नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सब्जियों ने बढ़ाई महंगाई। मानसून के साथ साथ महंगाई भी आई है। मानसून की बारिश ने सब्जी की फसल को चौपट कर दिया। अब सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। टमाटर बहुत से जगह 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। बाकी सब्जियों के दाम में भी आग लगी हुई है। उधर जीरे की पैदावार कम होने के कारण जीरा 70,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। हर सब्जी में जीरा डलता है, यानी सब्जी बनाना महंगा है। महंगाई ने बजट बिगाड़ दिया है और इससे मध्यम वर्ग गरीब सबसे ज्यादा परेशान है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी के दामों से राहत अभी सितंबर तक नहीं मिलेगी, यानी अब अगले 3 माह महंगाई से जूझना पड़ेगा। इस महंगाई से राहत कब तक मिलेगी ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। मई के महीने में जो सब्जियां सस्ती बिक रही थी उनके दामों में 200 से लेकर 500 प्रतिशत तक की वृद्धि हो चुकी है। टमाटर 120 रुपए किलो तक पहुंच गया है, तो वही भिंडी, गिलकी, तोराई जैसी सभी सब्जियों के दाम एक महीने के भीतर 1 से 2 गुना और 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। टमाटर मई की शुरुआत में 2 से 3 रुपए किलो तक नीचे चला गया था। उस समय बहुत से किसानों ने टमाटर खेत में ही फेंक दिए थे, लेकिन अब टमाटर की कीमत कहीं कहीं पर तो 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। जिस लहसुन को सड़क पर फेंकने के दृश्य सामने आए थे, उसी लहसुन की कीमत 150 रुपए प्रति किलो तक हो चुकी है। 40 रुपए प्रति किलो बिकने वाला अदरक अब 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सब्जियों के दाम में तेजी का कारण पहले गर्मी और अब अत्यधिक बारिश है। इस दौरान ओले और आंधी के कारण भी सब्जी और सब्जी की फसल बर्बाद हुई, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मानसून की तेज बारिश ने पहुंचाया है। बारिश के कारण सब्जी के पौधे गल गए, फूल झड़क कर गिर गए, फसलें बर्बाद हो गई और सप्लाई कम हो गई। इसीलिए कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश के मौसम में सब्जियों की पैदावार बहुत कम हो जाती है, इसलिए कीमत हर साल बढ़ती है। लेकिन इस बार उन क्षेत्रों में भी ज्यादा बारिश हुई है जहां की फसलें बारिश के दिनों में पूरे देश में सब्जी की आपूर्ति करती है। इस कारण सब्जी की सप्लाई कम हो रही है। आने वाले जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में सब्जियों के दामों में तेजी बनी रहेगी। उधर जीरे के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 70,000 रुपए प्रति क्विंटल जीरे के दाम पहुंच चुके हैं, यानी सब्जी और मसाले एक बार फिर घर का बजट बिगाड़ने के लिए तैयार है। टमाटर का भाव देखकर अब हम खुद लाल हो गए हैं। 10 रुपए 8 रुपए वाला टमाटर अब करीब करीब 80 से और अच्छा वाला 100 रुपए तक पहुंच गया। टू बी फ्रेंक अभी तो ले ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो सॉस वगैरह या कुछ डाल लेते हैं। और पहले नॉर्मली आधा किलो किलो ऐसा सब्जी और तरकारी दोनों में काम आता था, बट अभी खाना बंद कर दिया। पड़ रहे हैं भाव तो टमाटर आप लेने आए? हाँ, ये तो 100 रुपए किलो। उसके खराब भी बहुत निकल रहे हैं। कितना ले जाते थे पहले आप? 1 किलो ले जाते हैं ये सलाद के लिए। अब ले जाते हैं? अब आज सोच रहे हैं कितने लें। क्या किलो आज टमाटर? 100 रुपए किलो। कैसी गिराकी है आपने? गिराकी नहीं आ रहा यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा है? अब नहीं आते, यहाँ गली कुचड़े में हमको फेंक दिया था। गिराक आएंगे क्या? टमाटर को देख के भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो एक दिन माल लाते, 4-4 दिन तक माल बेचते हम। सब्जियाँ है 40 रुपए किलो, ककड़ी हो गई है 40 रुपए किलो, गाजर है 80 से लगा के 100 रुपए किलो तक। टमाटर बिक रहा है, बल्कि 120 रुपए टमाटर बिक रहा है। लहसुन बिक रहा है 200 रुपए किलो, अदरक बिक रहा है 250 रुपए किलो, गिलकी बिक रही है 60 रुपए किलो, लौकी बिक रही है 40 रुपए किलो, पालक बिक रहा है 40 रुपए किलो, धनिया बिक रहा है 100 रुपए किलो। ठीक है, इसकी सब आवक कम। टमाटर अपना लाल रूप और भी ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि इस महंगाई ने जो परेशान किया है उसमें टमाटर भी अब अपना योगदान दे रहा है। लहसुन के दाम 100 रुपये पहुँच गए हैं। अरहर की दाल जो रोज़मर्रा में हम घरों में खाते हैं 150 रुपये के पार हो गया है। इसके अलावा हरी मिर्ची भी 80 रुपये किलो, मटर, टिंडा, भिंडी, मूली, घिया, इन सब सब्जियों के दाम
बढ़ चुके हैं और इसलिए आपकी रसोई पर इसका किस तरह से फर्क पड़ रहा है ये आप सभी जानते हैं। आपको खासतौर पर गृहणियाँ, उन्हें पता है कि अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी कटौती घर में हो जाती है, उसकी रसोई में कटौती हो जाती है, अब उसके अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट ढूंढे जाते हैं। बहरहाल लेकिन अब जब जो टमाटर है उसकी वजह से आपकी सब्जी बनती भी नहीं है, भले ही आप चार की जगह दो डालें लेकिन आपको डालने पड़ते हैं। खासतौर पर गृहणियाँ हमारी बात समझ रही होंगी, लेकिन दालों का महंगा होना, चावल का महंगा होना, तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है और इसकी वजह मानसून है। मानसून में जो फसल सड़ी है, कई सारे पौधे सड़ गए, फूल झड़कर गिर गए और ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो सब्जियों के दाम हैं उनमें इजाफा भी हुआ है। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में जनता ने क्या कहा, ये भी हमने अपने दर्शकों को बताया। लेकिन बढ़ रहे सब्जियों के दाम और उसके ऊपर महंगाई की मार, हर चीज़ में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है। आज से 5 से 10 साल पहले जिन चीज़ों को हम बहुत ही मामूली दामों पर ले लेते थे, अब उनको खरीदने से पहले लोगों को अपना बजट देखना पड़ता है। यह आमतौर पर हम सुनते थे कि प्याज रुलाती है, लेकिन अब तो टमाटर भी रुला रहा है। 100 रुपए के पार टमाटर पहुंच चुका है, तो टमाटर जितना लाल हो रहा है उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। ना केवल टमाटर, अदरक भी 200 रुपए के पार पहुंच चुका है। धनिया, हरी मिर्ची, जिनके बिना हम सब्जी या जिनके बिना हम कहते थे किचन की कल्पना नहीं कर सकते, वही सब्जी के दाम है वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी विक्रेता से हम बात करेंगे क्या क्या कारण क्या है। भाव जी, टमाटर क्या भाव है? टमाटर 80 से 100 रुपये बिक रहा भैया। अदरक 150 से 200 रुपये किलो। क्या कारण क्या है जो महंगाई बढ़ रही है? क्या है कि पहले बीच में बहुत गर्मी थी, अब बिल्कुल बिल्कुल पानी पानी गिरने लगा। अब जो बाहर से माल आता है पूरे रुक ही चुका है, बाहर से माल नहीं आ रहा, इसलिए सब्जी थोड़ा महंगी है। कुछ लोग भी हरिशंकर कृतिक जी हमारे साथ हैं। सर क्या कहेंगे आप, तो सब्जी विक्रेता हैं, आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें दिखती नहीं कि जो तस्वीर हम आप देख रहे हैं? कारण क्या होता है, हर वर्ष अपने यहाँ साल में 2 महीने 3 महीने सब्जी महंगी होती है। उसकी वजह ये रहती है कि जैसे अभी गर्मी थी तो कुछ गर्मी तेज हुई, एकदम से बारिश हो गई तो उसमें सब्जी खत्म हो गई। और मेन चीज़ अपने यहाँ जैसे आज भोपाल में सब्जी अगर महंगी है तो उसका कारण लोकल क्षेत्र से खत्म हो जाना है। लोकल की आसपास के जो लोकल की सब्जियाँ वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। मात्र जो 100% आती थी वो अब 10 या 20% आ रही है। अब बाकी सब्जियाँ आ रही हैं बाहर से, अब जैसे बेंगलोर से टमाटर आ रहा है, इधर से अपना क्या नाम है चोमू से टमाटर आ रहा है, तो ये बाहर से जो टमाटर आ रहा है ना तो लोकल खत्म होने के कारण इसलिए महंगा हो गया है। अभी आपके धनिया भी महंगा हो गया है बारिश के कारण। तो कुछ सब्जी विक्रेता है, कब तक राहत मिल पाएगी? अभी तो कम से कम 1.5 महीने और नहीं होना। टमाटर प्याज सबके भाव और बढ़ेंगे या इतने बढ़ेंगे? बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अभी टमाटर को जब तक लोकल शुरू नहीं होगा तब तक नहीं होगा सब्जी। स्पष्ट है, जिस तरह से हरिशंकर खटीक ने कहा कि अभी दाम कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, 1 से 1.5 महीने तक इसी तरह के दाम बढ़ते रहेंगे। क्या अल्टरनेट क्या हो सकता है ताकि लोगों को इतनी महंगी सब्जी जो कल्पना नहीं करते, टमाटर हम देखे थे 10 रुपये 5 रुपये किलो बिक रहे थे, वो 100 रुपये किलो। टमाटर तो अब क्या धीरे धीरे नया रोपा लग गया है लोकल का, तो जिन लोगों की ज़मीनें ढलान वाली होंगी वहाँ से वो आवक शुरू हो जाएगी, तो उससे थोड़ा सा फायदा होगा। आवक का खेल है कुल मिलाकर के, जितनी ज़्यादा आवक होगी उतना ज़्यादा कम होगा, जितनी कम आवक होगी उतना तेज होगा। मतलब आवक लगातार कम होती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। प्याज ने अभी भले ही रुलाया नहीं लेकिन प्याज भी रुलाएगी, लेकिन फिलहाल तो जो चाय का आपका जायका अच्छा करता है अदरक, वो 200 रुपये के पास पहुँच चुका है। जो हल्का सा खटास बनाता है सब्जी में वो जो टमाटर होते हैं, देखिए वो यही टमाटर है जिनकी बात की जा रही है देश भर की सुर्खियों में बने हुए, ये वही टमाटर है जो 100 रुपये के पार पहुंच चुके हैं। धनिया मिर्ची के रेट भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार कह रही है कि उपभोक्ता मंत्रालय की जो कमेटी है उसके द्वारा एक सर्वे किया गया, जानकारी ली गई कि 100 में से केवल 10 से 5 शहर ही ऐसे हैं जहाँ पर जो टमाटर के दाम है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भोपाल के हम खुदरा बाज़ार की बात करें या फिर थोक बाज़ार की बात करें, वहाँ पर टमाटर के दाम तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों तक किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि सब्जियों के दामों में किसी तरह की कोई कमी आए। पारुल, बिल्कुल, यानी सितंबर तक भी आप मान सकते हैं कि इस तरह की महंगी सब्जियां आपको खरीदनी पड़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। वैभव मौजूद थे सब्जी मंडी में जहां पे व्यापारियों से भी उन्होंने बात की, तो खास तौर पर जो कंज्यूमर्स हैं यानी आप लोग जो सब्जियां खरीदने जाते हैं उनसे भी हमने देखा कि उन्होंने भी अपनी पीड़ा सुनाई कि किस तरह से अब उन्हें बजट बनाना पड़ता है एक सब्जी का। और क्योंकि कई लोग हफ्ते भर की सब्जी एक साथ लेते हैं तो हफ्ते भर उस 1 किलो या 2 किलो टमाटर को उनको चलाना होता है, तो अब जो 10 या 20 रुपए किलो आप ले रहे थे अब उसे 100 या 200 रुपए में आपको खरीदना पड़ता है।
बढ़ रहा है और ये हाल यही रहेंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है, उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ शहरों में ये आलम है, बाकी जगहों पर ऐसी स्थिति नहीं है। उसका मेजर रीज़न जो बताया गया है, जो मुख्य कारण, वो ये कि आवक कम हुई है। योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। इंदौर में सब्जी मंडियों में क्या कुछ स्थितियां हैं उनसे हम जानेंगे। मंडियों में पहले से ही जो लोकल सब्जियों की आवक है उनके कम हो जाने की वजह से बाहर से सब्जियां आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें जुड़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का रेट, यानी वो रेट जोड़कर आपको सब्जी मिलती है और इसलिए सब्जी महंगी होती है। तो कई लोगों का अपना अपना इस पर विचार है और इसलिए मांग के अनुपूरक जो सप्लाई नहीं हो रही है इसकी वजह से भी जो सब्जियां हैं वो महंगी हुई हैं। वहीं आपको बता दें मौसम ने काफ़ी इसमें परेशानी खड़ी की है, क्योंकि मौसम जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप अलग अलग जगहों पर बारिश का क्या असर है और इसकी वजह से निचले जगहों पर पानी भर गया है। ये भी कहा जा रहा है कई जगहों पर स्थितियां ये भी हैं कि जो निचले जगहों पर जिनके ज़मीनें होंगी वहाँ से फसलें आना शुरू हो जाएंगी, यानी वहाँ से सब्जियाँ आना शुरू हो जाएंगी। वहीं और गर्मी में सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मांग के अनुपूरक सप्लाई नहीं हो रही के कारण सब्जियों के भाव भी बढ़ जाते हैं, लेकिन अब स्थिति इसके उलट है। योगेश इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर किस तरह से सब्जियों के दाम हैं और आम जनता को क्या ये जो टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं इसको लेकर उनका क्या सोचना है, व्यापारी वर्ग क्या बता रहा है, क्या उनके इतने महंगे टमाटर खरीदने ग्राहक पहुँच भी रहे हैं? जी योगेश,120 रुपए किलो है टमाटर, ऐसी सब्जी है जो किसी भी सब्जी के साथ सामान्य मिक्स हो जाती है, यानी हर घर में टमाटर बहुत जरूरत की चीज होती है। दूसरी चीज धनिया जो होता है, हरा धनिया हर सब्जी में लगता है, वो लगती है जो नियमित जो हर सब्जी में उपयोग होती है, वो सारी सब्जी की बात करें तो 200 रुपए किलो, 220 रुपए किलो अदरक है, जबकि ये मौसम में नियमित रूप से मतलब लोग जो यूजुअली अपने रूटीन में खरीदते थे डेली बेस पर, अब उन्हें भी सोचना पड़ रहा है कि अगर वो रोज़मर्रा का बजट सब्जियों का बनाते हैं तो उसमें उन्हें विचार करना पड़ रहा है कि अब वो महंगी सब्जियों को कितना लेंगे और बाकी सब्जियों को अब ऑप्शन में रखेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए योगेश। तो देखिए लोग कई घरों में होता है कि भिंडी ज़्यादा खाई जाती है, टमाटर का तो उपयोग होता ही, उसके अलावा कई सारी जो घरों में लोग जो आपके परिवार में लोग हैं उन्हें जो पसंद है वो आप खरीदते हैं, लेकिन अब वो महंगे हो गए हैं तो जाहिर सी बात है आप अल्टरनेट ढूंढेंगे। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब बदलाव हो जाता है जब इस तरह से महंगाई टूट पड़ती है और ख़ासतौर पर गृहणियों की रसोई पर असर डालती है, क्योंकि उन्हें ही बजट का ध्यान भी रखना पड़ता है और उन्हें ही उसमें ही मैनेज भी करना पड़ता है। देखिए घर के तमाम परिवार वालों को खुश रखना है गृहिणी के लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि सबको टेस्टी खाना भी देना है और बजट का भी ध्यान रखना है, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही होती है महिला जब रसोई में होती है, और ऊपर से इस महंगाई की मार ने और भी ज़्यादा सता दिया है। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर तो पहले ही लोग परेशान थे, जो तेल है उसके भी भाव लगातार बढ़े थे उससे भी लोग परेशान थे, और अब धीरे धीरे जो सब्जियां बढ़ रही हैं, दाल ने भी अपना रौद्र रूप दिखाई दिया है, अदरक जैसी चीज़ जो है वो सीज़न में ही, अभी तो सर्दियां भी नहीं आई हैं, इसी सीज़न से 200 रुपये किलो हो गई हैं। हरी मिर्ची 80 रुपये किलो मिल रही है, आपका टमाटर तो 100 रुपये शतक तो पार ही कर चुका है, कई जगहों पर 120 रुपये किलो तक मिल रहा है। तो अलग अलग जगहों पर जो रेट्स हैं उसने अलग अलग लोग जो हैं उनको मिल रहे हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसका अल्टरनेट क्या है, सब्स्टिट्यूट क्या है। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है, लोगों का यही मानना है कि जब अभी बाहर से ही आवक हो रही है, जब लोकल आवक शुरू हो जाएगी तो व्यापारियों का ये मानना है कि जो सब्जी के दाम हैं वो नीचे जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। ये मूंग की दाल हो, मसूर, चना, ये भी काफ़ी महंगा हो चुका है और दालों के भाव भी बढ़े हैं,
शुजालपुर की बात कर लेते हैं। ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर सब्जी मंडियों में किस तरह का भाव टमाटर का चल रहा है, लोगों का क्या कहना है, व्यापारी क्या बता रहे हैं, कब तक इसी तरह से महंगाई से, इस महंगे टमाटर से दो चार होना पड़ेगा महिलाओं को, बताइए। जी पारुल, बताना चाहूंगा कि शुजालपुर की अपन क्या पूरे शाजापुर जिले की बात करते हैं तो शुजालपुर में भी 120 रुपए प्रति किलो के भाव से टमाटर बिक रहे हैं, सब्जियों का दाम आसमान पे छू रहे हैं, 80-90 रुपए किलो से कोई सब्जी नहीं है। अदरक की बात करते हैं तो 240 रुपए किलो प्रति किलो अदरक का भाव है, 10 रुपए का 50 ग्राम धनिया बिक रहा है, तो काफी महंगाई आसमान छू रही है। टमाटर की बात करते हैं, व्यापारी से जब भी इस बारे में चर्चा होती किसी चीज को लेके, तो व्यापारियों का कहना है कि जहां से टमाटर आता है, बेंगलोर हुआ है, राजस्थान हुआ, और जब से जहां से टमाटर आते हैं वहां से टमाटर बारिश के कारण पूरी टमाटर खत्म हो चुकी है। इसलिए व्यापारियों का कहना है कि हम क्या करें, आगे से ही क्रेटे महंगी आती है, 22 रुपए प्रति क्रेट के भाव से टमाटर मिलता है, तो हम सब्जी मंडी में भाव वही बेचते हैं जो हमें 10-20 रुपए किलो के भाव से पुरता है। अब हम यहाँ के कुछ व्यापारी है उनसे भी आपकी चर्चा कराएंगे। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशान है। क्या टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं? कितने रुपए किलो टमाटर है? टमाटर 120 रुपए किलो हो रहा है। क्या महंगाई है? नहीं है महंगाई है। तो क्यों है महंगाई? ये इसके बारे में जानकारी नहीं। तो आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, व्यापारी है यहाँ, उनसे भी बात चर्चा कराएंगे हम आपकी। क्या भाव है टमाटर का? अच्छा, क्यों भाव क्यों बढ़ा हुआ है? अच्छा, तो कारण क्या है? माल का आवक नहीं है ना। आवक नहीं है, कब तक रहेगा? अच्छा, तो ये धनिया 10 रुपए का 50 ग्राम बीच गया था, नई बात नहीं है। अच्छा, रोज ही बिक रहा है, थोक में 120 रुपए किलो। तो व्यापारियों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, आखिरकार क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम, ऐसा क्यों? कई व्यापारियों का कहना है कहीं जब से आयात निर्यात नहीं हो पा रहा सही से, इसलिए भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। तो और भी मंडी में व्यापारी है, उनसे भी आपकी चर्चा कराऊंगा। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल। टमाटर क्या भाव है? टमाटर 100 रुपए किलो। अच्छा जी, और आपके जो बेच रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 80 रुपए किलो। क्यों बढ़ रहे हैं सब्जी? आगे से आई नहीं रही माल। अच्छा, कब तक रहेगा दाम बढ़ा हुआ? आगे से नहीं आगे, जब तक बढ़ा रहे। तो कहाँ से आता है माल, कहाँ से आता है? इंदौर, भोपाल, बम्बई, महाराष्ट्र, सब कहीं भी आता है। अभी माल आ नहीं रहा है? नहीं आ रहा। अब कब तक आने की संभावना है? ये तो आगे से पानी आने गिर रहा है, इसलिए हो रहा है। अच्छा, किसान अंदर खेत में घुस नहीं पाता है, हाँ, इसलिए हो रही है। अच्छा अच्छा, तो किसान की सब्जी का भाव बढ़ रहा है क्योंकि भाव बारिश के कारण कहीं ना कहीं दो दिक्कत आ रही है आसमान, इसलिए टमाटर छूते कि जो आयात निर्यात बाहर से होता है हो नहीं पा रहा है, इसलिए टमाटरों की मांग बढ़ रही है लेकिन भाव भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ। पारुल, बिल्कुल, तो जो आवक है उसमें कमी होना, क्योंकि कई जगहों पर फसलें खराब हुई हैं, जो सब्जियां हैं उनके पौधे खराब हुए हैं, फूल झड़कर गिरे हैं, और मौसम की मार ने भी कहीं ना कहीं इन इस महंगाई को बढ़ाने में अपना अलग रूप दिखाया है। बहुत शुक्रिया ओम जानकारी देने के लिए। मंडी में कई सारे व्यापारियों से हम बात भी कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से जो सब्जियों के रेट हैं उन्होंने अपना रूप दिखाया है, और बढ़ रहे सब्जियों के दाम खासतौर पर ये बताते हैं कि देखिए जो सब्जी हैं वो उनकी ज़रूरत हर घर में होती है, हर घर में एक सब्जी एक दाल बनती है, कई जगहों पर नहीं भी होता है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर लोग सब्जी खाना पसंद करते हैं। मधुसूदन धाकर जी सब्जी उत्पादक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए। धाकर साहब बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मधुसूदन धाकर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सुन रहे हैं मैडम, सुन रहे हैं। डाकर साहब, सब्जियों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं जिसमें टमाटर 100 रुपए किलो, मिर्ची 80 रुपए किलो और अदरक 200 रुपए किलो, और इसी तरह से तमाम सब्जियों के दाम बढ़े हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं और आप क्या मानते हैं कि आने वाले समय में कितने समय तक इसी तरह की महंगाई लोगों को देखनी पड़ेगी? उसका कारण यह है मैडम कि अभी 4-5-6-7 महीने से टमाटर के रेट बिल्कुल भी नहीं थे, टमाटर 2 रुपए किलो बिका, इसके बाद में किसानों के लागत खर्चे नहीं निकले, इसलिए किसानों ने फसल को नष्ट कर दी, उखाड़ कर फेंक दिए टमाटर। तब के कोल्ड स्टोरेज वाला टमाटर बाहर आ रहे हैं? हाँ, अब कोल्ड स्टोरेज वाला नहीं, अब टमाटर का फसल का वो रेट नहीं मिले इसलिए इसका उत्पादन भी कम हुआ और किसानों ने रुझान कम करके फसलें कम कर दी। यानी आपका कहना है कि किसानों ने टमाटर की खेती कम की है क्योंकि पहले ही उनको बहुत नुकसान हुआ? हाँ, बस आज रेगुलर 7-8 महीने एकदम रेट कम रहे तो इसलिए लोगों के लागत खर्चे मूल्य नहीं निकले, इसलिए लोगों ने इसकी खेती कम कर दी।
लेकिन अब जाहिर सी बात है, एक बार की अगर नुकसान हुई और उसके बाद जो किसान है उन्होंने टमाटर की फसल नहीं की, तो आने वाले समय में तो प्रदेशवासियों को काफी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, खासतौर से और भी हो सकता है कि टमाटर महंगे मिले। हाँ, टमाटर के रेट तो अभी 2-3 महीने महंगे रहना, जब तक नई फसल, अगर अभी लोगों ने नई फसल मई जून में लगी, इसके बाद ये फसल अगर बाजार में नहीं आती जब तक रेट। तो अनुमान आपको क्या लगता है, कितने ऐसे किसान होंगे और पहले की तुलना में और अभी की तुलना में जिन्होंने टमाटर की खेती कम की है? मैंने खुद ने मैडम 70 एकड़ का टमाटर काट के फेंक दिया आज से 3 महीने पहले जी। और ऐसे छोटे मोटे किसान तो इतने हैं कि उनके बेचारों को लागत खर्चे नहीं निकले, इसलिए वजह ये भी है कि आवक जो है वो तो कम ही है, और बाकी ये भी कि लोगों ने, जो किसान है उन्होंने टमाटर की फसल बहुत ज्यादा लगाई नहीं, जैसे कि आपने भी बताया कि टमाटर का जो रेट है वो सही नहीं मिल रहा था, इसलिए कई किसानों ने उस वक्त टमाटर निकाल कर फेंका। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुसूदन साहब। तो देखिए, तमाम जगहों पर कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं, लेकिन ये सही कारण है कि किसानों को सही दाम नहीं मिला, इसलिए किसानों ने पिछली बार टमाटर फेंका था, इस बार किसानों ने टमाटर की फसल नहीं लगाई। दूसरा ये कि बाहर से इस वक्त सब्जियां आ रही हैं, इसलिए भी महंगाई है, मौसम ने कई सारे सब्जी के पौधों को खराब किया है तो वो तो नष्ट हो चुके हैं। जफर हमारे साथ अरदा से जुड़े हुए हैं। जफर, अरदा में किस तरह की सब्जियों की महंगाई है और लोग इससे अब किस तरह से दो चार हो रहे हैं, खासतौर पर टमाटर जो हर घर की जरूरत है, चाहे वो किसी भी सब्जी का इस्तेमाल करते हों, लेकिन अब उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा टमाटर खरीदने से पहले। देश की अन्य सब्जी मंडियों का हाल है, उसी तरह हरदा जिले की मंडी का भी हाल है। टमाटर ने जो है तो पेट्रोल और डीजल को भी पीछे छोड़ दिया है। आज जहां टमाटर 120 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर एक किचन का बादशाह कहा जाता है, सलाद से लेकर सब्जियों तक, सब्जियां बनाने तक जो है इसका उपयोग होता है। आज हरदा की मंडी में खड़े यहाँ पर भी लगातार टमाटर जो है तो 120 रुपए किलो बिक रहा है, और जो लोग हैं जो खरीदने आ रहे हैं, हमारे साथ एक गृहिणी मौजूद है जो सब्जी खरीद रहे हैं, उनसे जानेंगे कि टमाटर महंगा हुआ तो उन पर कितना जो है तो असर पड़ा। जी अपना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम ऐसी कोई सब्जी नहीं जिसमें टमाटर नहीं डाल सकते, ऐसा कोई काम नहीं होता जो बिना टमाटर के बिना आलू के होता हो, लेकिन हम क्या सिर्फ आलू खाएं, ऐसी भी स्थिति नहीं है। हम जो भी सब्जियां पूछ रहे हैं तो सब 70 रुपए पाव, 80 रुपए पाव, 100 रुपए पाव, टमाटर 120 रुपए किलो, ऐसी सब्जियां हम खरीदेंगे तो हम आम आदमी क्या खाएंगे, और फिर क्या हम सब्जियों से पैसे खर्च करेंगे तो हम बच्चों के ऊपर क्या खर्च कर पाएंगे। मतलब हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं, या तो हम सब्जी नहीं खाएं, या तो खाएं तो कुछ दूसरे काम ना करें। ऐसी स्थिति में आप बताइए इतनी महंगी सब्जी कौन खरीदेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये गहनी है जो लगातार आरोप लगा रही है कि इस तरीके से महंगी सब्जी अगर होती है तो हम खाए क्या। हमारे साथ एक व्यापारी भी है जो सब्जी बेचते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि टमाटर के अलावा और किन किन जो है तो सब्जियों के दाम महंगे हुए हैं। जी बिल्कुल, टमाटर के अलावा चटनी मिर्च जो आम नागरिकों के लिए आसान था वो भी महंगी हो जाती है। मिर्ची 120 रुपए किलो बिक रही है, 200 रुपए टोटल बिक रही है, और चटनी 10 रुपए की 50 ग्राम बिक रही है, और टमाटर तो बहुत महंगा चल रहा है, 2000 रुपए की रेट बिक रहा है, और टमाटर का रेट अभी आगे और भी के नहीं करते क्या हो सकता है, क्योंकि बारिश आने वाली है और रेट में और इजाफा हो सकता है। जी पारुल जी, देखिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आगे आने वाले समय में भी जो है तो लगातार इसके रेट बढ़ने के संभावना है, और जो रेट के बढ़ने की उन्होंने पीछे की स्थिति जो बताई, तो जो बेमौसम बारिश हुई है, बारिश के कारण जो सब्जियां गल गई हैं और बाहर से जो है तो आवक होने के कारण यहाँ सब्जियों के रेट बढ़े हैं। पारुल जी बहुत शुक्रिया जफर जानकारी देने के लिए। तो तमाम जगहों पर जो टमाटर हैं वो 100 रुपए 120 रुपए किलो मिल रहा है, और भी सब्जियों के दाम बढ़े हैं। गृहिणियों का ये कहना है कि बगैर टमाटर कोई सब्जी घर पर बनती नहीं है, और बनती है तो वो स्वाद नहीं आता। और इसके अलावा जो व्यापारी हैं उनका भी यही कहना है कि आवक कम है, और जो लोग हैं उनका ये भी बताना है कि किसानों ने पिछली बार टमाटर की फसलों में काफ़ी नुकसान झेला है, इस बार किसानों ने टमाटर की फसल ही नहीं लगाई। कुछ और लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि बाहर से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का रेट जुड़ जाता है, इसलिए परिवहन का रेट जुड़ जाता है, इसलिए टमाटर और भी महंगा हो गया है। सब्जियों की महंगाई के पीछे मौसम ने भी अपना रूप दिखाया है, क्योंकि जिस जगहों पर बारिश हुई है वहाँ पर लोगों ने बोनी की थी, पौधे सड़ गए, खराब हो गए, फूल झड़कर गिर गए, इसकी वजह से भी जो सब्जी है वो महंगी हुई है। कई सारे कारण हैं। इधर उपभोक्ता मंत्रालय का ये भी कहना है कि कुछ चिन्हित जगहों पर जो सब्जियां हैं वो महंगी हुई हैं, बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है, लेकिन अमूमन जगहों पर जहां से हमारे रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट कर रहे थे उन्होंने बताया कि सब्जियां लगभग सभी जगहों के मार्केट पर महंगी हो गई हैं, और यही वजह है कि लोगों की अब रसोई का बजट बिगड़ रहा है। अब वो टमाटर खरीदने से पहले सोच रहे हैं या तो उन सब्जियों का चयन कर रहे हैं जिसमें इमली या किसी और तरह की खटाई डालकर काम चलाया जा सके। तो अपनी अपनी इस पर परेशानियां हैं, इस पर देखते हैं आने वाले समय
समय में क्या कुछ हल निकाला जाता है, वरना कहना तो यही है कि सितंबर तक आपको महंगी सब्जियां ही खरीदनी पड़ेंगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।